सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी कॉड जेटर बैकपैक के ऊपर, जो मैंने खरीदा था एक साल पहले, पर उसको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ किया है ना कि मतलब आपने YouTube के ऊपर इस बैकपैक को लेने से पहले हर वीडियो देखी होगी, वाटर टेस्ट की देखी होगी, डस्ट डैमेज की देखी होगी, इसको फाड़ के इसको हर चीज़ करके लोगों ने वीडियो बनाई है, पर अभी तक आपने एक साल का रिव्यू नहीं दिखा होगा कि हाँ लेने के बाद तो हर चीज़ अच्छी होती है लेकिन लेने के बाद उस चीज़ का क्या हाल हो जाता है पीछे रखा हुआ, आप देख सकते हैं एकदम कहूँ तो, देखो वीडियो देखो उसके बाद ज़्यादा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, पर मेन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ यार, मतलब आप लोगों ने ना मज़ा दिला दिया। कल जो मेरी नेक्स्ट की वीडियो थी ना वो गई मतलब ट्रेंडिंग, एक दिन के अंदर 1000 व्यूज़, नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि 1000 भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो होने वाले बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए है। उसके लिए आपको बस ये करना पड़ेगा कि आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर, इंस्टाग्राम की आईडी होने में आती रहती है क्योंकि गिव अवे जीतने के लिए वहाँ आपको मुझे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोसेस है, हर चीज़ का एक स्टेप होता है। तो व्हाट आई एम गिविंग अवे इज दिस लेंस, पूरा का पूरा एक लेंस देने वाला हूँ मैं गिव अवे के अंदर। सो वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू करते हैं हम कॉड जेटर 1 ईयर एक्सट्रीम रिव्यू के ऊपर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, माय नेम इज थ्रोव, बी यू, क्रिएट न्यू एंड लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स दिस वीडियो। गॉज जेटर जो ये बैकपैक है इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये ना एंटी थेफ्ट बैकपैक है, लिया भी मैंने इसको इसीलिए था क्योंकि इसकी जो जिप होती है ना वो आराम से हाथ में आती नहीं है, पीछे से खुलती है, एंटी थेफ्ट है, इसको देता हूँ मैं 10 out of 10। दूसरी बात आ जाती है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है सामान को ऑर्गेनाइज करने के अंदर। देखो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, इफ़ यू सी दिस बैग अरेंजेस थिंग्स वेरी ऑर्गेनाइजिंगली। तो इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्टोरेज के बारे में बात करते हैं आगे एक बड़े एग्जाम्पल के साथ। तो इसका ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज बैग है, इसके अंदर जिप्स इतने सारे, कंपार्टमेंट इतने सारे हैं कि आपकी हर चीज़ मिक्सअप नहीं होगी, आपको पता रहेगा कि हाँ लाइक अ फोटोग्राफर लाइक अ वीडियोग्राफर मैं इस बात को समझाता हूँ कि हाँ मुझे पता है कि पेन ड्राइव इसके अंदर है, कार्ड रीडर इसके अंदर है, ड्राइव इसके अंदर है, SD कार्ड इसके अंदर है, छोटे 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 स्लॉट्स दे रखे हैं। अगर आप स्कूल गोइंग है तो आपको पता होगा आपकी यूटिलिटी स्पेस कहाँ कैसी बनती है। थर्ड थिंग, इसके अंदर सनग्लासेस कंपार्टमेंट भी है जो ऊपर एक
जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारी चोर जेब भी है इसके अंदर। तो चोर जेब नहीं होती, वो होती है सनग्लास कंपार्टमेंट। फोर्थ थिंग आ जाती है इसका जो बैक है, एकदम मेश है, मतलब इसको अगर आप पहनोगे स्कूटर पे ट्रैवल करते हो 80% पसीने नहीं आते इसके अंदर, 20% आते हैं क्योंकि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 45 डिग्री टच हो जाता है, तो उसके अंदर ही मैंने यूज़ किया है। इसका जो फ्लैप है वो पीछे से 180 डिग्री ओपनिंग है, मतलब अगर आपको कोई सामान रखना है डायरेक्ट बड़ा सा, कोई सामान निकालना है, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा आराम से, रादर दैन जो बैग्स होते हैं जो ऊपर से खुलते हैं उसके अंदर हर चीज़ करनी पड़ती है। तो या दिस इज़ अ टाइम सेवर एंड ऑल्सो स्पेस सेवर, क्योंकि साइड के कंपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने आप से एडजस्ट कर लेते हैं सब कोई बड़ा सामान रखने के लिए। लैपटॉप बैग भी आ जाता है इसके अंदर, लैपटॉप आ जाएगा इसके अंदर, आपकी फाइल्स आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी, हर चीज़ अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप इसके अंदर। एंड देन ये चीज़ मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ मैं लास्ट में से लग रहा हूँ क्योंकि बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये थोड़ी कम है, लेकिन हाँ ये नहीं है तो ये बैग भी नहीं है। इसके लुक्स जो हैं, फर्स्ट टाइम मैंने बैग देखा था अपनी इसकी वेबसाइट पर, तो मतलब प्यार हो गया था, इसके जैसा बैग ना कोई है ही नहीं। इसके जैसे गॉड ने आगे की बहुत सारी सीरीज निकाली है, लेकिन इसके जैसा जो बैग है, जो इसका डिज़ाइन है, जो मतलब इसका ट्रू एस्पायर्ड डिज़ाइन है, कंपनी का पेटेंट डिज़ाइन है, तो फिर इसके जैसा कोई बैग नहीं है मार्केट के अंदर। ये बैग जो है वो रियल लाइफ कंडीशंस के हर सर्कमस्टांस को पास कर गया है मेरी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी एक बैग के साथ कि यार वो बारिश में जाए तो वाटरप्रूफ हो, गर्मी में जाए तो पसीना ना आए, ठंड में जाए तो फिर इसकी रबर जो है ना वो हार्ड ना हो। रबर इन द सेंस जब आप इसका बाहर से लेदर देखते हैं, कई सारे जगहों का ये होता है कि इसका लेदर होता है ना, लेदर थोड़ा उतरने लग जाता है तो फिर डेटोरिएट होने लग जाता है। अब आप इसकी कंडीशन देख लो, आपको लगेगा कि अभी अभी पैकेट से निकालेगी, लेकिन नहीं, बात तो सच है, जिस चीज़ की केयर करोगे वो चीज़ चलती है लंबी। हाँ तो भैया आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हो, इतने अच्छे अच्छे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपके लिए कुछ बनता तो है ही देना, लेकिन इसके लिए कंडीशन होगी। पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये है क्या। तो यस, दिस इज़ अ लेंस शेप्ड कॉफ़ी मग, मतलब यार इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइंड है ये आप में से किसी व्यूवर्स को मिलने वाले है। और हाँ ये कोई यूट्यूब की या फिर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जिसको ये जीतना है उसको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा ये करने के लिए, सबसे पहला स्टेप मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ, एक बढ़िया से कमेंट के साथ अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम वहाँ पे कर दो ऐड। सेकेंड स्टेप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, वहाँ पर आपको दिखेगी इसके गिव अवे की पोस्ट, वहाँ पर जाकर उस फोटो को लाइक करो, मुझे फॉलो करो और इस फोटो के कमेंट सेक्शन में अपने 3 दोस्तों को वहाँ पे टैग कर दो। पैन इंडिया आप कहीं भी और भी होंगे ना, इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि ये चीज़ आपको कूरियर करूँगा। देखो गिव अवे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चलने वाला है, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था 1500 सब्सक्राइबर्स पर कि जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब उसका विनर अनाउंस होगा। आराम से अपनी जो एंट्रीज है वो उस पोस्ट पर डालते रहना। पोस्ट जो है ना, अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो और मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, जिस दिन 2000 में जाएंगे उस दिन गिव अवे का रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं, कुछ 2 हफ्ते लेके चलते अपना टारगेट या 3 हफ्ते लेके चलते अपना टारगेट कि हाँ इतने में 500 सब्सक्राइबर्स और आ जाएंगे। तो ये होगा चैनल के ऊपर हमारा फर्स्ट गिव अवे, और जो विनर्स होंगे वो रैंडमली सॉफ्टवेयर के थ्रू सेलेक्ट होंगे। तो अब आ जाते हैं गिव अवे के रूल्स के ऊपर जो होने वाले बहुत ही ज़्यादा सेम। पार्शियलिटी जैसी चीज़ ना हो इसके अंदर, तो इसके लिए क्या होगा, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, इन तीनों कैटेगरी में जो भी लोग फॉल करेंगे अगर वो विनर आते हैं तो वो पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। जो लोग मेरी फोटोग्राफी के लिए, मेरी वीडियो के लिए, हर अननोन पर्सन जो मुझे फॉलो करता है, वो इन 3 कैटेगरी से बाहर फॉल करता है वो होगा गिव अवे का विनर। कमेंट करो, शुरू कर दो फटाफट फटाफट। आप चाहते हो ना कि ये गिव अवे कोई और भी जीते, ये जो कप है, ये जो इतना बढ़िया सा कप है ना, इस कप के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मतलब बहुत ही बढ़िया कप है। आप इसकी डिटेलिंग देखोगे ना एक बार, एग्जैक्ट बना हुआ है एक लेंस की तरह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना। अगर इस बैग के बारे में अच्छा लगा हो, कुछ भी इसके फीचर्स, इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी, लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने आपको इसके अंदर बताई दिया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बी यू, क्रिएट न्यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।